दोस्तों मार्च में इस बार बहुत कुछ लॉन्च होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स मार्च 2023। ऐसे फोन आने वाले हैं जिनका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे, नथिंग से लेकर वन प्लस तक बहुत कुछ है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा आप चेक कर लेना क्या सब्सक्राइब बटन ठीक से काम कर रहा है, बेल आइकन के साथ चेक कर लो। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं वन प्लस के बारे में। देखो वन प्लस नोट सी टू लाइट तो आप देख रहे हैं, सी टू 5G भी आपने देख लिया, अब आपको वन प्लस नोट सी थ्री 5G देखने को मिलेगा। अब जो ये सी थ्री 5G है, यहाँ पर जो लीक्स निकल आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये आपको मिलने वाला है सक्सेसर नोट सी थ्री लाइट का, C3 5G के नाम से। जो मैंने यहाँ पर देखा है ना फीचर्स में, उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये C2 5G का सक्सेसर है, बिकॉज इसमें स्नैपड्रैगन 695 होने वाला है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है ना 20,000 के अंदर आपको मिलती हैं तो बहुत सही होने वाली हैं। अभी कंफर्म होती है सब आपको बताऊंगा। 5,000 mAh की बैटरी भी है इस फोन में, आप ये मान लो ये फोन ऑन द वे है, जल्दी इंडिया पहुंच जाएगा। बाकी अभी वन प्लस 10R 30 का मिलता है तो वो मुझे बिल्कुल सही लगता है, और या फिर नोट 2T अगर कम प्राइस पे मिल जाता है तो वो मुझे सही लगता है। मैं टैग कर दूंगा, वो आप चेक करना मत भूलेगा। अगला जो फोन है ना वो है रियल मी की तरफ से, रियल मी GT Neo 5। मुझे आपके इस फोन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि जो रियल मी की ये सीरीज रहती है, ये नियो सीरीज, ये बजट सेंट्रिक होती है, मतलब बजट फ्लैगशिप किलर फोन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, 8th Gen 1 प्रोसेसर आपको मिलने वाला है और 240W की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करेगा, तो ऐसे में सुपर फास्ट चार्ज होगा ये फोन। अगर ये फोन आता है ना अच्छी प्राइसिंग पे तो ये भी मार्केट में तहलका मचाएगा फ्लैगशिप पिलर वाले सेगमेंट में। फिलहाल आपको 30,000 में मिल रहा है वन रियलमी GT Neo 3T, जो ऑफर्स लगाकर आपको कई बार 23,000-24,000 में मिल जाते हैं। अब ये नियो 5 को अगर 30 तक ले आते हैं और जो पहले फोन मिल रहा है 3T उसका प्राइस कम कर देते हैं, तो ये फोन बहुत तगड़ा मार्केट को हिला के रख देगा, बिकॉज 8th Gen 1 अभी किसी ने भी नहीं दिया कम प्राइस पे। या तो ये 30 के आसपास आएगा या 30-35 के बीच में आएगा। हर तरफ से ये टक्कर देगा वन प्लस 11R को। 11R क्या चीज़ है वो पता कर लेंगे, प्री बुक हो गया फोन, जल्दी आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फोन के बारे में जिसने 2022 में इतनी हाइप मचाई है ना कि समझ के बाहर है, मतलब हाइप कैसे बनाते हैं ये इस ब्रांड को अच्छे से पता है। मैं बात कर रहा हूँ नथिंग के बारे में। नथिंग फोन 1 में आपने देखा है क्या क्या हुआ है यार, इतनी वीडियोस बनी है यूट्यूब पे, इतनी इन्होंने हाइप मचाई है ना, ट्विटर से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह पे इन्हीं के चर्चे देखने को मिलते थे। और नथिंग फोन 1 में काम भी इन्होंने अच्छा किया है, टाइम के साथ साथ चीज़ों को फिक्स किया है अपडेट के साथ। अब आपको नथिंग फोन 2 देखने को मिलने वाला है। अब जैसे कुछ टाइम मैंने लीक आया था ना यहाँ पर 8th Gen का प्रोसेसर रहेगा, अब जो लीक्स आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8th Gen 1 हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे सस्ता 8th Gen 1 इस फोन में होगा। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद ही नथिंग फोन 1 का प्राइस कम हो गया था, आपको 25-26 तक ये फोन आराम से मिल रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो इतना महंगा प्राइस रखेंगे स्टार्टिंग में ही तो कौन लेगा जिस प्राइस पे फ्लैगशिप ऑलरेडी बने हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है देखकर जो लीक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग कि प्राइस एग्रेसिव होगा नथिंग फोन 2 का। इस टाइम पे दोस्तों नथिंग फोन 1 एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, अगर वो आपको 26-23 के आसपास की रेंज में मिलता है तो। मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, आप चेक कर लेना, कई यहाँ पर ऑफर चलते रहते हैं, मैंने वीडियो भी किया हुआ है, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, जहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंपैरिजन किया था मैंने बेस्ट फोन अंडर 25,000 के स्मार्टफोन्स का। अब बात कर लेते हैं हम शाओमी के बारे में। अब शाओमी का एक ऐसा फोन आने वाला है जो कि आप लगा लो उस सेगमेंट का ऐसा फोन बनेगा जिसको बीट करना आसान नहीं होगा। रियलमी 10 प्रो प्लस हो या कोई भी कर्व वाला फोन हो ना 25-30 के बीच में, उसको ये पूरी टक्कर देने आ रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो दिया था शाओमी CV2 का, उस टाइम जो प्लानिंग थी वो कुछ और थी, इंडिया में वो फोन किस नाम से आएगा अभी कंफर्म नहीं हुआ था, जो लीक्स आए थे मैंने आपको बता दिया था वहां पर। अब चीजें कंफर्म होती दिख रही है कि इंडिया में ये फोन आ सकता है शाओमी 13 लाइट के नाम से, स्नैपड्रैगन 7th Gen 1 प्रोसेसर के साथ। ये प्रोसेसर दोस्तों बहुत ही स्टेबल और बढ़िया रहेगा अगर ये सही प्राइस पे आता है तो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो 25-30 के आसपास होने वाला है। 45mAh बैटरी और कर्व डिस्प्ले इस फोन की शान होने वाली है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। देखते हैं क्या होते हैं, कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वैसे जहां पर शाओमी कर्व डिस्प्ले ला रहा है कम प्राइस पे, वहीं पर रियलमी भी चुप नहीं बैठा है, वो भी कुछ धमाकेदार कर रहा है। रियलमी का जो अपकमिंग फोन आएगा उसमें डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले होने वाली है, जैसे कि हमें मिलती है ना आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स में, वैसा कुछ रियलमी खेलने वाला है। ये पिक्चर भी सामने आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अलग टाइप का होने वाला है रियलमी के अपकमिंग फोन में। अब ये फोन का क्या नाम होगा, किस प्राइस पे आएगा, क्या इसमें मिलेगा और कुछ भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने दोस्तों थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट तो की हुई है,
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा A53 आया था सैमसंग का कुछ टाइम पहले, जो कि मार्केट में उतना ज्यादा नहीं चल पाया था। अब जो A54 आने वाला है वहां पर भी लीक्स आ चुकी हैं Exynos 1380। बाकी अब ये लीक्स है, कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मजे की बात एक और है, एक साथ में फोन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A34, उसमें लीक हुआ आपको प्रोसेसर मिलेगा Dimensity 1080। मतलब आप ये लगा लो जो कम प्राइस का फोन होना चाहिए वहां पर होगा Dimensity 1080, और जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का रहता है वहां पर Exynos 1380। अब यहां पर क्या होने वाला है थोड़ा समझ के बाहर है, थोड़ा कुछ कंफर्म हो जाए फिर यहां पर सब क्लियर हो जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट सब कुछ आपको मिलेगा, दोनों में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। बाकी फिलहाल मुझे सैमसंग के जो भी बेस्ट ऑप्शन लगते हैं ना बजट में वो मैंने टैग कर रखे हैं। तो आज के यही कुछ फोन थे जो आपको मिलने वाले हैं मार्च 2023 या इसके आसपास में, मार्च अप्रैल में ये फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। मिली है तो कर दो वीडियो को लाइक और शेयर। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।